स्वतंत्रता सेनानी बिहार केसरी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर स्थानीय चौक स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा स्थल प्रांगण में आज के परिवेश में आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की प्रासंगिकता विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण के पश्चात उनके व्यक्तिगत कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए आज के परिवेश में इनकी प्रासंगिकता विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह क्षेत्रीय प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रोफेसर विजय कुमार मिठू ने कहा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार के चौमुखी विकास देश के सबसे बेहतर कानून व्यवस्था में अव्वल राज्य बिहार को बनाने, सर्वधर्म संभाव, गंगा जमुनी तहजीब, छुआछूत के भेदभाव को खत्म कराने आदि के लिए इनके द्वारा किए गए कार्य की आज के दिन में प्रासंगिक हो गए। डॉक्टर मदन कुमार सिन्हा ने कहा कि आज जिस प्रकार देश की सत्ता में बैठे लोग बिहार के साथ भेदभाव करना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं, ना ही विशेष पैकेज, उल्टे और यहां वर्षों से स्थापित केंद्रीय संस्थानों को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित किया जा रहा है। धर्म संभाव, गंगी जमुनी तहजीब के प्रणेता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की विचार आज पूरी तरह से देश, समाज, राज्य और सभी जगहों के लिए प्रासंगिक है। आवश्यकता है इनके पद चिन्हों पर चलने का, और कल है पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में पूर्व मंत्री, केंद्र सरकार, राज्यसभा सांसद और इस आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पूरे बिहार से हजारों हजार की संख्या में हम लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।